हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास्त रेसिपीज में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वेज थाली की रेसिपी। तो मैं अभी सब्जी लेकर आई हूँ मार्केट से। घर में सब्जी ख़त्म हो गई थी और बहुत दिन भी हो गए थे, ग्रीन लीफ की सब्जी नहीं बनाई थी। और जो सब्जी बनानी है वो बाहर रख कर बाकी के सब्जी में फ्रिज में रख देती हूँ। मैं हमेशा धनिया के पत्ते, पालक, करी लीव्स, अदरक, नींबू, इन सभी चीज़ों को कंटेनर में रख देती हूँ ताकि ज़्यादा दिन टिके। और धनिया के पत्ते को रखते वक्त डब्बे में मैं पहले पेपर या टिश्यू रख देती हूँ ताकि धनिया के पत्ते जल्दी नहीं सड़ेंगे, पीले भी नहीं पड़ेंगे और हरे के हरे ही रहेंगे। सभी सब्जियों को साफ करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। ग्रीन मार्ट की सब्जी को बड़ा सा पतीले में डालकर पानी डालकर रख देती हूँ। हरी पत्ती की सब्जी में मिट्टी होती है तो मिट्टी नीचे रह जाएगी और पत्तियाँ ऊपर आ जाएगी। मैं फिर से लिविंग रूम में आई हूँ। सब्जी साफ करते वक्त पूरा घर सब फैला हुआ था तो वही मैं साफ कर लेती हूँ। किचन के सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, ऑफिस टिफिन के लिए सब्जी बनाया हुआ बर्तन और ब्रेकफास्ट बनाया हुआ बर्तन भी यहाँ थोड़े से पड़े हैं तो वही मैं घस लेती हूँ। सब काम होने के बाद दोपहर का खाना बना लेती हूँ। खाने में मैंने कौन कौन सी सब्जी बनाया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप तूर दाल लिए हैं। तो इसे अच्छे से वॉश कर कुकर में डालकर पकने के लिए रख देते हैं। तूर दाल को अच्छे से वॉश कर ले लिए हैं। अब इसे कुकर में ऐड कर देते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 ग्लास जितना मैंने पानी इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक। 5 चम्मच हल्दी ऐड किए हैं और 5 चम्मच नमक इसमें ऐड किए हैं। अब ढक्कन ढककर इसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। 3 सीटी लगाकर हम तूर दाल को पकने देते हैं। कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं दाल को पकने के लिए। अब हमने यहाँ पे लिए हैं राइस बनाने के लिए, हमने यहाँ पे 1.5 किलो चावल लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश कर ले लेंगे। चावल को अच्छे से वॉश कर ले लिए हैं। अब इसे ऐड करते हैं कढ़ाई में। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। हमें एक्स्ट्रा कंजी नहीं निकालना है इसलिए बराबर मात्रा पे मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं। यानी 1 गिलास 1.5 किलो हमने इसमें राइस लिए थे तो 2 गिलास जितना है ना, आधा लीटर इसमें पानी ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। अब कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। एक चूल्हे पर चावल को पकने के लिए रखे हैं और दूसरे चूल्हे पर दाल चढ़ा दिए हैं। दाल और चावल पकने तक मैं हरे मटर की सब्जी को अच्छे से वॉश कर बारीक कट कर लेती हूँ और सब्जी में ऐड करने के लिए लहसुन और मिर्ची भी कट कर लेती हूँ।
ग्रीन मार्ट की सब्जी बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 5 हरी मिर्च कट कर कर लिए थे इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच यानी स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर कर इसमें सब्जी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर कर ले लिए हैं। अब इसे भाप में पकने देते हैं। दूसरे चूल्हे पर हमने राइस को पकने के लिए रखे थे, तो राइस रेडी हो चुका है, ये देखिए इस तरह। और चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। तो राइस रेडी हो चुका है, उसे हमने चूल्हे से हटा दिए हैं। हरा मटर की सब्जी को यहाँ पे वाप में ढक के रखे थे पकने के लिए, तो पक चुका है। अब इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर इसमें ऐड करेंगे। तो ड्राई कोकोनट पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो खाने के लिए हरा मटर सब्जी भी रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से हटा देते हैं। अब बनाएंगे दाल फ्राई। तो दाल पक चुका है। ये देखिए दाल पक चुका है। तो चलिए दाल फ्राई बनाते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच ऑयल, साथ में ऐड कर देते हैं 1 चम्मच घी। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 ऑनियन लिए थे बारीक चॉप करके, इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कट करके लिए थे इसे भी साथ में ऐड कर देंगे। ऑनियन का हल्का सा सॉफ्ट होने देते हैं। ऑनियन हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे करेली, साथ में ऐड करेंगे लहसुन, 2 लहसुन की कलियां लिए थे इसे कट कर कर लिए हैं, और 1 इंच अदरक लिए थे इसे भी कट कर कर लिए हैं, साथ में ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टमाटर कट कर कर लिए थे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 5 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 5 चम्मच से भी कम राई, स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर ले लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के लिए ढक के रखे थे, टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे पका कर लिए हुए दाल। दाल ऐड कर मिक्स कर ले लिए हैं। अभी 2 मिनट के लिए इसे उबलने देते हैं। दाल उबल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। तो दाल फ्राई रेडी हो चुका है। चूल्हे को करते हैं ऑफ। तड़के के लिए हमने गरम किए हैं 1 चम्मच घी, और उसमें ऐड किए हैं 1 लाल मिर्च, और उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिलाकर देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे दाल पर। अब पूरी तरह दाल फ्राई रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से हटा देते हैं। अब बनाते हैं बैगन का भरता। तो बैगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं हरा बैगन। तो इसे 1/2 किलो लिए हैं। इसे इस तरह कट कर कर पानी में नमक ऐड कर कर इसे डाल के रखे हैं ताकि बैगन काला ना पड़े इसलिए। और यहाँ पे लिए हैं 1 कटोरी में लिए हैं रोस्टेड सिंगदाने। अब इसे पीस कर ले लेंगे। तो मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। 2 लहसुन की कलियां लिए हैं इसे इसमें ऐड करेंगे। 2 टुकड़े में कट करके लिए, बड़े बड़े कलियां लिए थे तो इसे 2 टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे, एक छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर इसमें ऐड किए हैं, एक चम्मच मालवणी मसाला, इधर नमक स्वादानुसार नमक इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। अब मसाले को पीस कर ले लेते हैं। तो भरता बनाने के लिए यहाँ पे मसाला मैंने रेडी कर कर ले लिए हैं, पानी से हटा देते हैं। तो सारे मसाले इस प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब बैगन में भर देते हैं। तो सभी बैगन में हमने मसाला भर दिए हैं। तो चलिए भरता बनाने की शुरुआत करते हैं। कढ़ाई में 4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। तो एक ऑनियन लिए थे, बारीक कट कर कर लिए हैं, इसमें ऐड कर देंगे। साथ में करी लीव्स भी ऐड कर देंगे। ऑनियन का हल्का सा लाल होने तक भून लेंगे। ऑनियन हल्का सा लाल हो चुका है, अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर। साथ में ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले हमने लिए थे 1 चम्मच मालवणी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 5 चम्मच मैंने लिए हैं जीरा पाउडर, 1 चम्मच तिल लिए हैं सफ़ेद तिल और स्वादानुसार नमक लिए हैं, इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड कर मिक्स कर कर ले लिए हैं। अब ऐड करते हैं बैगन जो हमने मसाला भर कर ले लिए थे। तो सारे बैगन इस मसाले में ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर कर ले लेंगे। अगर बैगन का भरता बनाना है तो यही शॉर्टकट रेसिपी है। तो इसे इस तरह आप बैगन का भरता बना सकते हैं। बचे हुए मसाले भी इसमें साथ में ऐड कर देती हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर कर ले लेंगे और धीमी आंच पर इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। धीमी आंच पर। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मिक्सी के जार में थोड़े से मसाले बचे थे, इसमें पानी मिक्स कर इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर मिक्स कर ले लिए हैं। अब इसे पकने देते हैं। ग्रीन मर्ड की सब्जी और भरवा बैगन बनाए हैं तो उसमें खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं ज्वारी की रोटी बनाऊंगी। हरी पत्ती की सब्जी और भरवा बैगन के साथ ज्वारी की रोटी खाने का मजा ही कुछ और होता है। ज्वारी की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे
एक कप ज्वारे का आटा लिए थे, इसे छान कर लिए हैं। अब इसमें गुनगुना पानी डालकर डो तैयार कर ले लेंगे। तो डो तैयार हो चुका है, दो हिस्से करेंगे। तो एक हिस्से के पहले हम रोटी बना कर ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालकर रोटी को ऐसे हल्के हल्के हाथों से थपथपाएंगे, ज़्यादा जोर जोर से इसे थपथपाने नहीं है। तो रोटी रेडी है, अब इसे तवे पर सेक लेंगे। इसे कोने में ले जाकर इससे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि रोटी हाथ पे लेते आसानी से आ जाए। ये देखिए इस तरह से ऊपर से देखिए इस तरह से लेना है। रोटी सेकने के लिए चूल्हे पर तवा चढ़ा दिए थे, तो तवा हल्का सा गर्म हो चुका है। इसे हल्का सा ऐसे ऊपर से पानी लगाएंगे, तो ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब इसे रोटी को पलट लेंगे, देखिए इस तरह से पलटना है। हल्का सा पकने देते हैं, तो नीचे का हिस्सा पक चुका है। अब इसे तवे से हटाकर गैस पर सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है रोटी। तो रोटी रेडी है, और दूसरा वाला रोटी भी इसी तरह रेडी कर कर ले लेंगे। पानी ऐड कर कर बैगन को पकने के लिए रखे थे, तो बैगन पक चुका है। अब इसमें धने के पत्ते ऐड करेंगे। अब खाने के लिए बैगन का भरता रेडी है, अभी हम सर्व करेंगे। थाली की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे शेयर किए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।